ये क्या चक्कर हो गया? पता नहीं यार, यहाँ से हो रहा है इनसे। हैं? यहाँ से हो रहा है यार, ये देखो वही पे है ना स्पीड के बड़ा। आपको तो नहीं लगी? ना मेरे को गिरी नहीं बाइक। हाँ। जैसे यार कूलेंट लीक हो रहा है, थोड़ा डर लग रहा है कि इंजन करो। हाँ साइड टेढ़ी करो। इतना बंद करके पीछे जा रही, मेरे को 15-20 मिनट हो गए इधर आए हुए। अब सो गाइस तगड़ा सीन हुआ, पर यार अर्जुन से भी उम्मीद नहीं थी भाई बाइक, मतलब ऐसे चलो बजी कोई चक्कर नहीं भाई, बाइक बचती रहती है भाई, घर चल गया भाई। सोचा नहीं था मतलब ऐसे यार कभी किसी की बाइक बजे और भाई आप ऐसे बोल दो यार घर जा रहा हूँ, यार सही बात नहीं लगी यार। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, होना भी चाहिए। तो आराम आराम सभी को करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। तो गाइस अभी मैं उठाऊँ जस्ट यार, और भाई आप सारे बोल रहे थे यार आप मतलब कि डेली ब्लॉगिंग करो, डेली ब्लॉगिंग करो, और मम्मा को भी दिखाया करो ब्लॉग वगैरह में, मैं कमेंट्स वगैरह पढ़ रहा था। तो आज भाई डेली ब्लॉगिंग करेंगे, और भाई अब से डेली ब्लॉगिंग वगैरह करेंगे, और मम्मा वगैरह को भी मैं दिखाऊंगा भाई। वो ना थोड़े से कैमरा शाये हैं जैसे हम सबकी होते हैं, मम्मा कहीं कहीं ब्लॉगर है भाई जो मतलब कि अपने घर वालों को दिखाते हैं ब्लॉग में, बट उनके ना घर वाले मतलब खुल चुके होते हैं। मेरी मम्मा थोड़े ना कैमरा शाये हैं, वो सोचते हैं कि भाई जब तैयार होना है तभी वगैरह फोटो वगैरह खिंचवानी है या कैमरे वगैरह में ना, तो अभी मैं मम्मा को यूज़ टू कर दूंगा इस चीज़ का। बाकी चलो गाइज अभी आपने थंबनेल और टाइटल से समझ गए होंगे तो आज क्या होने वाला है। आज गाइज हम अर्जुन भाई की बाइक को मॉडिफिकेशन के लिए देने वाले हैं, और क्या ही तबाही भाई मॉडिफिकेशन होने वाली है RC 390 की। उसके बाद गाइज आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन मेरे 700 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, मतलब कि 700 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, उस दिन हम अपने 10R को भी ऐसी मॉडिफिकेशन कराएंगे, इंडिया में वैसी मॉडिफिकेशन किसी ने नहीं कराई होगी, इंडिया छोड़ो भाई फॉरन में भी किसी ने नहीं कराई होगी। तो आपका भाई जो भी बोलता है आपको पता है भाई हमेशा वो चीज़ पूरी करता है। तो अभी गाइज फटाफट से यार नहा धो लेते हैं, तैयार वगैरह होते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो गाइज ये रही मेरी मम्मा, मम्मी गैस की शक्ल दिखाओ। गैस मम्मी ना कैमरे में सामने आने में ना बड़ा शर्माती है, ऐसा क्यों मम्मा? मम्मा जी मम्मी कह रही जब मैं गंदी बनी होती मैं नहीं आऊंगी कैमरे के सामने, पर ये वीडियो हम डालेंगे। देखो मम्मी ना सुबह सुबह बस पूजा करती है और मैं ये काम करते हैं, देखो सब उतर जाए। सो गाइस ये मेरी मम्मी है। सो गाइस फाइनली हो चुके हैं तैयार, यहाँ पे आ चुके हैं अपना अर्जुन भाई। अर्जुन भाई के बाल चेक करो, पूरा शतर मुर्गा लग रहा भाई। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, आज कहाँ जा रहे हैं? आज भाई जा रहे हैं भाई देखने। सो गाइस आज जो ये है ना ये चीज, ये भाई गायब होने वाली है और कुछ ऐसी चीज बनने वाली है ना ये, मतलब आपने थंबनेल में तो देख लिया होगा, बाकी जो गाइस की लुक आने वाली है बता भी नहीं सकता भाई, बता भी नहीं सकता, इतनी अमेजिंग है ना। सीधा देखना भाई, अब सीधा देखना। तो चलते हैं गाइस फटाफट से, अब इसमें X3 किट जो है वो डलने वाली है, सारी चीजें समझाऊंगा मैं आपको क्या क्या होने वाला है। तो अभी निकलते हैं गाइस घर से, मिलते हैं आपको आगे। सो हेलो गाइस, इस बार के IPL के सीजन को लेके आपका क्या ख्याल है? मुझे तो यार बहुत पसंद है, जैसे लास्ट वाले मैच CSK वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का क्या मैच हुआ यार, CSK ने क्या तबाही खेला। और भाई मुझे और आप सबको पसंद है गिफ्ट्स जो 1xBet लेके आया है हम सबके लिए, बहुत सारे अमेजिंग गिफ्ट्स 1xBet के साथ। यार आपको एक हाई चांस है एक iPhone और बहुत सारे कैश प्राइज जीतने का, जल्दी से जाओ मेरे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से, आप क्लिक करो 1xBet पे और रजिस्टर करो और पाओ ढेर सारे बोनस। रजिस्टर करने के बाद प्रमोशन पेज बटन पे क्लिक कीजिए और 240 rupees की कम से कम बेट लगाइए IPL 2023 के सीजन पे। सोचिए यार आप जीत सकते हो अपने आप फेवरेट आईफोन और कैश प्राइजेस, वो भी अपनी फेवरेट टीम के ऊपर सिर्फ बेट प्लेस करके। सो गाइस ध्यान में रखना ये जो ऑफर है बिल्कुल लिमिटेड टाइम के लिए है यार, जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे टैप करो और भाई मेरा प्रोमो कोड जरूर से यूज करना MOTO1X, जिससे मिलेगा आपको एक्स्ट्रा बोनस, मोर बेट्स मोर चांस टू विन। सो गाइस अभी आ चुके हैं गाड़ी में, अर्जुन भाई भी आ चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं नरवार। तो अभी हमने यार वहाँ पे ना 1X3 किट ली थी, वो पेंट करने के लिए दी थी, तो वही भाई देखने जा रहे हैं कि पेंट वगैरह हुआ है नहीं। पहले हम सोचे थे बाइक पे जाएं, बट आज ना मौसम बहुत सही है यार, तो बाइक पे हम रोज ही घूमते हैं। हमने सोचा कि आज क्यों ना भाई गाड़ी पे गेड़ी मार ली जाए। तो अभी जा रहे हैं फटाफट से, फिर आपको दिखाते हैं गाइज। रिस्क भी है ना बारिश पड़ने का, रिस्क भी है गाइज बारिश नहीं पड़ जाए। सो गाइज आज ना जिंदगी में भाई पहली बार मैंने ऐसा व्लॉग करने की कोशिश किया है, तो आपको अच्छा लगेगा कमेंट करके बता देना, मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा, अगर हो सके तो भाई हर कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा। तो यार देखो हम तो ऐसे बाइक्स वगैरह भाई व्लॉग बनाते हैं, सुबह निकलते हैं घर से बस स्टार्ट कर देते हैं भाई जो होता है आपको दिखा देते हैं। ऐसे व्लॉग्स अगर आपको देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है भाई आपका हर एक कमेंट पड़ेगा, रिप्लाई भी करेगा, और नहीं भी देखना चाहते हो तो भी भाई बेझिझक बोल देना। सो गाइज फाइनली अभी आ चुके हैं हम नरवाल में, गाइस फाइनली आ चुके हैं दुकान पर, और यहाँ पर हो रही है भाई X3 किट पेंट, बाकी पार्ट ये पड़े हैं भाई ऊपर। तो अभी इसके बाद इसके ऊपर होगा भाई नियॉन पेंट, उसके बाद भाई कुछ सीन चलेगा। अभी ये ना 2-3 दिन का प्रोसेस तो है कम से कम, इसको रख दो भाई ऊपर। तो ये चेक करो भाई RC की टेल है भाई ये पिछली। गाइस कुछ ऐसी बाइक हमारी जो है वो बनने वाली है, तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, मतलब एक बार ये चेक करो भाई आप,
मतलब जब ये चलेगी भाई ड्यूक और ये एक साथ में तो क्या ही लगेगी और क्या ही अमेजिंग रील बनेगी। तो भाई स्टे कनेक्टेड प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो चुका है, आज हमने फाइनली किट पेंट करने के लिए दे दी हुई है, तो अब एक दो दिन लेंगे और भाई बाइक पूरी ऐसी तैयार हो जाएगी भाई, एक बार चेक करो फिर से। सो गाइज अभी आ चुके थे घर पे और यार अभी ना हमारे बैठे बैठे एक प्लान बन गया, जैसे मैं सोच रहा हूँ यार अभी हमने 10 hour भी अपना रैप करवाने के लिए दे देनी है, मुझे पता है अपने भाई और लोगों का कि उन्होंने 700 के बहुत जल्दी करवा देने हैं। सो गाइस उसके बाद भाई ड्यूक भी मेरी फुली मॉडिफाइड है, तो हम सोच रहे हैं भाई क्यों ना एक बाइक ली जाए, मतलब मेरे लिए यार एक मैं सोच रहा हूँ एक RC 390 ले लूँ। तो एक भाई है यार अभी बैठे बैठे उनको कॉल किया मैंने, कहा आ जाओ यार आपकी RC देखते हैं, तो पसंद आती है तो भाई आज ही ले लेंगे, तो अभी वो भाई आ रहा है तो जो भी होता सीन आपको बताते हैं। सो गाइस फाइनली अभी भाई आ चुका है, तो इन्हीं की RC 390 आप इनको जानते हो कि व्हाइट ब्लू। मैंने भी अपनी ऑडियंस को बोला कि जानू भाई ने हमारी RC 390 ले रहे हैं, तो अब अगर उन्होंने बोला कि गाइस अभी हमारी बातचीत चल रही है यार कि लेनी है नहीं लेनी, जो भी रेट वगैरह की बात है, और इनकी भी बाइक थोड़ी सी गिरी भी है, थोड़ी सी ठीक हो रही है, तो जो भी होता है आपको बात फिर करके बता देते हैं क्या ना। हम साथ में चलेंगे ना KTM के शोरूम में, देखते हैं KTM के शोरूम में भी जाते हैं और बाइक की एक टेस्ट ड्राइव वगैरह कर लेते हैं, अगर सही लगेगी तो ले लेंगे, तो भाई को पेमेंट वगैरह जो आज ही कर देंगे, पेमेंट ना भी करो तो कोई बात नहीं, फिर जब बाइक ठीक होगी तब ले लेंगे, ठीक है ना भाई। हाँ, एक हो गया ना इमोशन, मेरी एक अपनी फैमिली के पास बाइक रहेगी, ये इनकी फैमिली मेरी फैमिली। अभी आ चुके थे घर पर और भाई काम वगैरह हो गया और यहाँ पे भाई हमारे साथ आ चुके हैं अर्जुन भाई कहाँ जा रहे हो आप? मैं यार सोच रहा हूँ देख रहे हो मतलब की लड़कियों को मिलने जा रहा है भाई, भाई ओ भाई बैठ तो ले जाओ अपना, और लड़कों ने फोटो खिंचाई बैठ इधर छोड़ के बैठ तो ले जाओ। So guys, balls में तो बैट भी छोड़ दिया गया, यही मेरे को घुमाने लगेंगे सुपर बाइक पे। सुपर पे नहीं तो मेरे को नहीं कभी घुमाने लेके गया गाइस इस बाइक पे, देखो जैस्मिन को लेके जा रहा है, गलत बात है गाइस। सो गाइस फाइनली इनको सीट लगा के दे दिया, चलो जाओ फिर जल्दी आना, ठीक है? क्या नहीं बोल रहा गाइस, इसमें बाइक चला रहा है, फुटेज इसको खोलने नहीं आ रही है। गाइस अभी अर्जुन भाई का फोन आया यार, वो कह रहे हैं कुछ सीन हो गया भाई जल्दी आ। क्या हुआ हाँ? ये क्या चक्कर हो गया? पता नहीं यार, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है यार, ये देखो यहाँ गिरे हुए हैं। तो आप बाइक बजी कहीं नीचे? यार मेरे से यार स्पीड तूने बोला जल्दी जल्दी आ जल्दी जल्दी आया, पर बजी तो नहीं थी कहीं, पर यार ये लीक हो रहा है। चलो ठीक हो, ये क्या चक्कर हो गया? नहीं 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 गिरे नहीं गिरे नहीं, कूलेंट लीक हो रहा है यार, वो नहीं है वहाँ पे ये चाट है, वो गली में वहीं पे है ना स्पीड से बड़ा। आपको तो नहीं लगी ना? मेरे को गिरी नहीं बाइक नीचे से यार, कूलेंट लीक हो रहा है, थोड़ा लग रहा है कि इंजन करो हाँ साइड टीडी करो यार, शिट बाइक टीडी करना, एक मिनट स्टार्ट मत करना अभी, बाइक का कूलेंट निकल गया शायद से, तभी मैं बंद करके पीछे जा रही हूं, मेरे को 15-20 मिनट हो गए इधर आए हुए। अब कंपनी चले बाइक बजी नीचे जी, मेरे को लग रहा है यार वहाँ पे स्पीड ब्रेकर है ना जो बड़ा के सामने, वहाँ पे मेरे को लग रहा है बजी है, मैंने हेलमेट पहनी हुई ना, आवाज नहीं इतनी जोर से आई, पर मेरे को ऐसा लगा कि नीचे लगी है बाइक, पर वहाँ पे इतना यहाँ पे इतना ज्यादा लीक हो रहा है यार, लीक भी ज्यादा हो गया यार, देखना लीक भी कुछ ज्यादा हो गया। कंपनी चलते हैं, दिखानी तो है, वारंटी नहीं देंगे बोलेंगे एग्जॉस्ट लगा हुआ है, दिखानी तो है ना वारंटी का क्या करना है, दिखानी तो है वारंटी का, वारंटी थोड़ी देखनी है यार, चैंबर चुंबर तो नहीं फटा इसका? नहीं चैंबर तो ऊपर होता है। एक काम करो बाइक लटाओ इधर आओ, न्यूट्रल करना बाइक, इधर आओ। नहीं नहीं लटाने क्यों है यार, लटाओ ना एक साइड, इधर आओ पकड़ो एक मिनट बाइक को, मैं एक मिनट देखता हूँ ना चैंबर चुंबर तो नहीं लीक हुआ, पकड़ के रखना, लटाओ बाइक एक साइड लटाओ यार, कूलेंट तो लीक हो रहा है इधर से, वही ना कूलेंट तो लीक हो रहा है, रेडिएटर क्या है मेरे हिसाब से इसका, या तो रेडिएटर कैसे बच सकता है यार, हाँ रेडिएटर कैसे बचा, रेडिएटर तो बहुत ऊपर है, पत्थर उत्थर लगा होगा, वही भाई को करता हूँ फोन। हेलो, मैंने आपको बोला ही था आराम से चलाया करो। हेलो नफील भाई, यार बाइक का ना कूलेंट लीक हो रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है, नीचे से बजी है कहीं पे आपकी? हाँ जी हाँ जी। कहाँ पे हो? मैं घर के पास ही हूँ। क्या करूँ बताओ, बुलाना चक्कर यार आके, बुला जल्दी बुला जल्दी आ,
नीचे से हिट हुई? पता नहीं, अर्जुन लेकर गया था कहीं, बजी है तो वो कह रहा है, वो मैं अभी आके देखा तो सारा कूलेंट लीक हो गया हुआ बाइक का। कूलेंट बॉक्स तो साइड पे होता है, कूलेंट बॉक्स ठीक है, मेरे को लगता है नीचे से बजी है कहीं पे, नीचे से रेडिएटर बजा शायद इसका। वही 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 मुझे भी यही लगता है, रेडिएटर बजा। फिर अब जानू का कूलेंट लीक हो रहा है। यार नफील भाई अब तो इसका इसमें एग्जॉस्ट वगैरह लगा है, इसकी वारंटी मिलेगी नहीं? मेरे से लेनी है तो मैं दे दूंगा। नहीं आपसे मिल जाएगी ना वारंटी? यार आपको मना है आज तक नहीं मिली। ठीक है फिर क्या करूं मैं, बाइक स्टार्ट नहीं ना करूं अभी, कूलेंट तो निकल गया हुआ सारा। मैं और निखिल आ रहे हैं। कब तक? अभी निकल रहा हूं मैं, निकल गया। चलो आओ आओ। चल ठीक है फिर यार, करा लें ठीक में चला गया। हैं करा लें ठीक में चला गया, ये क्या बात हुई में चला कर। चल इधर उसको पहले देंगे उसके बाद जाना घर। मैं अकेले कहां जाऊंगा यार, को कोई यार। हैं करा लेना ठीक, क्या हो गया? अच्छा मैं अकेले ठीक कराऊंगा, आप घर जाओगे? बंदे बुलाया ना कंपनी के, आ जाएंगे बंदे ठीक करने, तेरे को बोला बंदे आ रहे हैं, बस वेट कर ले थोड़ा। ये लो भाई जाओ, ये लो तो। सो गाइस तगड़ा सीन हुआ, पर यार अर्जुन से भी उम्मीद नहीं थी भाई, बाइक मतलब ऐसे चलो बजी कोई चक्कर नहीं भाई, बाइक बचती रहती है भाई, घर चल गया भाई। सोचा नहीं था मतलब ऐसे यार कभी किसी की बाइक बजे और भाई आप ऐसे बोल दो यार घर जा रहा हूँ, यार सही बात नहीं लगी यार। जाओ हो क्या कर रहे हो इधर वापस? मैं देख रहा हूँ स्कूल में ज़्यादा लीक हो रहा है यार। अर्जुन भाई दिमाग मत खराब करो, जाना जाओ नहीं जाना सीधे तरीके खड़े रहो, बेफजूल की बातें मत करो। मेरी बाइक नहीं है? हाँ तो मैंने कब मना किया, तो फिर क्या हुआ? जाओ आप, आपको काम है घर पे, घर जाओ। और यार इंजन सीधे हो जाएगा, कूलेंट नहीं है, हीट मारेगी बाइक। एक राइड लेनी है, हाँ, राइड लेनी है, कोई नहीं जब ठीक होगी तब ले लेना। ये क्या कर रहा है? प्रैंक था। सही बता। हाँ प्रैंक था। ये कौन सा प्रैंक है वो चिड़ी के? ये कौन सा प्रैंक है? ये कौन सा प्रैंक है? नहीं ये कौन सा प्रैंक है? अरे ये कपड़े गंदे उठा ना। बजी है बाइक नीचे से? नहीं बजी। ये कहाँ से लेके आया कूलेंट? कूलेंट यार इधर कूलेंट लीक हो रहा है यार, क्या कर रहा है? पागल है क्या यार? नफील आ रहा है यार, उसको हमने बेफजूल में कॉल कर दिया, बोल उसको मत आना।